बिहार की राजनीति इन दिनों गर्माई हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार पर शुक्रवार को ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई। कोर्ट में पेशी के लिए राजद सुप्रीमो लालू यादव व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे हैं। साथ ही पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी पहुंची। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 27 फरवरी को सभी 16 आरोपितों को दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट में समन जारी कर 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस मामले में नामजद आरोपित। बता दें कि साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेल में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप। लालू परिवार को ये जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलवे की ग्रुप डी में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमितता नियुक्ति की गई। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तीसरी बार नोटिस के बावजूद पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे। सीबीआई इसे जांच में असहयोग के रूप में देख रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी राय ले रही है। सोमवार को सीबीआई ने तीसरी बार नोटिस भेजकर तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें मंगलवार को हाजिर होना था, हालांकि वह नहीं आए। इसके पहले सीबीआई ने तेजस्वी को 4 मार्च और फिर 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर आने में असमर्थता जताई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बार बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं आना जांच में सीधे सीधे असहयोग है। ऐसे में एजेंसी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कानूनी सलाह मशवरे के बाद एजेंसी जल्द उचित कदम उठाएगी। वहीं आपको बता दें कि लालू परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिल गई है। बता दें कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि 50,000 के निजी मुचक्ले पर जमानत दी गई है। वहीं 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। गौरतलब हो कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। वहीं पिछले दिनों सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी और उनसे घंटों पूछताछ की थी। राबड़ी से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंची थी और राहुल प्रसाद के साथ साथ उनकी बेटी मीसा भारती से भी घंटों पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने इसी मामले में लालू परिवार के खिलाफ शिकंजा कसा। पटना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ईडी ने एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली में तेजस्वी यादव के आवास से ईडी ने करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा होने का दावा किया था। वहीं इस पूरे प्रकरण पे विपक्षी लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार जोरदार हमला कर रही है और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित एक्सप्रेस।